गाइज इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। चैप्टर नंबर वन का वेरी शॉर्ट का प्रॉब्लम नंबर 13 है और देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्या पूछा है इसमें, ऑर्डिनरी रबर जो होती है वो एक इंसुलेटर होती है, लेकिन स्पेशल टाइप्स ऑफ टायर्स जो होते हैं एयरक्राफ्ट के वो स्पेशल टाइप्स ऑफ रबर के बनाए जाते हैं और थोड़ा कंडक्टिंग नेचर के रखे जाते हैं, ऐसे क्यों? तो इसका लॉजिक क्या है कि थोड़ा कंडक्टिंग नेचर के एयरक्राफ्ट के टायर क्यों रखे जाते हैं, वो स्पेशल टाइप ऑफ रबर कहलाती है, नॉर्मल रबर नहीं होती है। तो ऐसे क्यों कि उनको स्पेशल टाइप का रखा गया है? तो गाइज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग कर रहा होता है अपनी एयर स्ट्रिप के ऊपर, तो होता ये है जब लैंडिंग कर रहा होता है तब जो आगे वाले व्हील होते हैं उसके, गाइज जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आते हैं एयर स्ट्रिप के, जिसको हम हवाई पट्टी कहते हैं, जैसे ही वो हवाई पट्टी पर आकर के लगते हैं तो हाई प्रेशर होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हो जाता है टायर्स के ऊपर। अब ये चार्ज अगर अर्थ के अंदर ना पहुंचा तो स्पार्किंग हो सकती है और टायरों में आग लग सकती है। तो इन स्पार्किंग को ख़त्म करने के लिए आपको टायर ऐसे रखने होते हैं जिनका नेचर कंडक्टिंग हो, क्योंकि कंडक्टिंग नेचर के टायर जब हवाई पट्टी से लगातार मिल करके चलेंगे तो सारा का सारा चार्ज जो डेवलप हुआ होगा उनके ऊपर वो सारा का सारा अर्थ के अंदर चला जाएगा और किसी तरह की कोई भी स्पार्किंग नहीं होती। तो यही रीज़न है कि जो स्पेशल टाइप ऑफ टायर्स होते हैं, इट मीन्स जो एयरक्राफ्ट के लैंडिंग वाले टायर्स होते हैं या फिर पीछे वाले टायर, वो सबको कंडक्टिंग नेचर का ही रखा जाता है, चार्ज ना एक्युमुलेट हो उनके ऊपर इसलिए। तो इसका आंसर किस तरह से लिखोगे? एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, हाई वैल्यू ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एयर स्ट्रिप एंड टायर्स क्या कहा मैंने, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एयर स्ट्रिप एंड टायर्स स्टैटिक चार्ज जेनरेटेड हाईली ऑन द टायर्स। ड्यू टू कंडक्टिंग नेचर ऑफ टायर्स, या ये टायर्स टाइप बन रहा बार बार, टायर्स दिस चार्ज ट्रांसफर्ड टू द अर्थ। ये चार्ज जनरेट हुआ वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? टू द अर्थ एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। आई होप समझ गए होगे। मैंने लिखा एट द टाइम ऑफ लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एयर स्ट्रिप एंड टायर्स स्टैटिक चार्ज जनरेटेड हाईली ऑन द टायर्स। ड्यू टू द कंडक्टिंग नेचर ऑफ द टायर्स दिस चार्ज ट्रांसफर टू द अर्थ एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। सीधी सी बात थी, जो मैंने आपको समझाया वो पूरा का पूरा लिख दिया। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।